हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। मेरे प्रियजनों, आज हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों, वो इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, नाना प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करता है हमारा यहोवा जलाल परमेश्वर। विश्वास करना है, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के बराबर होता है। उसको समुद्र की लहर ठहराया है परमेश्वर ने। वो संदेह निश्चय व मनुष्य संदेह ही करता रहता है। वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। संदेह करते हैं लोग, आज बोलते हैं मेरी इतनी बड़ी बीमारियां हैं, गिल्टियां, रसौलियां, पथरियां, बच्ची क्या चीज नहीं मिल रही है, परमेश्वर मुझे नहीं देगा। संदेह करते हैं, नहीं हो सकता है शायद। मगर परमेश्वर कहता है यदि विश्वास करेगी तो बड़े बड़े काम को देखेगी। परमेश्वर चमत्कार करता था, आज भी करता है। मेरे प्रियजनों, बड़े बड़े काम करता है, जो आदि और अंत है, पहला पिछला, आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने शुरू किया और वही खत्म भी करेगा। मेरे प्रियजनों, वो महान परमेश्वर है जो हम सभी को हर एक दिन दिखाता है, रात दिखाता है, सुबह दिखाता है, रात दिखाता है। परमेश्वर बोलता है, बेटे बेटी, तू मेरी बेटी है, तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर समय देता है पाप से मन फिराने के लिए, पाप से मन फिराने के लिए, तोबा करने के लिए। मगर आज मनुष्य तो ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे। परमेश्वर कहता है दुष्ट का अंत होगा, उनका अंत निकट ठहराया है परमेश्वर ने। वे दुष्ट लोगों का अंत कर देगा परमेश्वर। याद रखना मेरे प्रियजनों, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जिसके कहर से पृथ्वी हिल जाती है भूकंप के द्वारा, जिसके कहर से सूर्य, चंद्रमा, आकाश काले नीले थरथराते कांपते डरते हैं परमेश्वर से, जिसने परमेश्वर ने हाथों से इनको रचाया बनाया। मगर पर मनुष्य उसकी पूजा कर रहा है। आज रोड पर पत्थर पड़ा होता है, लोग उसको लातों से मारते ढंगाते जाते रहते हैं, और एक मनुष्य आता है, उसको उठाकर पेड़ के नीचे रख देता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, धूप जलाने लगते हैं, पैसा चढ़ाने लगते हैं। आज मनुष्य मूर्ख है, मूर्ख है मनुष्य। आज लोग लातों से उसी पत्थर को मारते ढंगाते रहते हैं, और एक आता उठा लेकर, उठाकर उसको मंदिर में रख देता है, उसको परमेश्वर मानने लगते हैं। लोग पत्थर में ढूंढ रहे हैं, लकड़ियों में ढूंढ रहे हैं, समंदर में ढूंढ रहे हैं, मट्टी में ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर उसमें नहीं है, मैं तो दुष्ट आत्मा बैठी हैं। परमेश्वर हमारा हमारे दिल में है, उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो घर में नहीं रहता है, जो पत्थरों में नहीं रहता है, लकड़ियों में नहीं रहता है, वो स्वयं हमारे दिल के अंदर रहता है। मेरे प्रियजनों, विश्वास करोगे बड़े बड़े काम देखोगे। जो नहीं कर पाते हो करोगे। मेरे प्रियजनों, इस मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, पाव कोली पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, ये यीशु मसीह करता है। मेरे प्रियजनों, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर के दास ने भी बोलेंगे वो मेरे जीवन में हो जाएगा, परमेश्वर करेगा उसको, परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, जो वास्तव में जिंदा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वह आज जिंदा है, और वह हमारे बीच में है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, उसकी महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। यदि आपका काम नहीं बन रहा है, टूट चुके हो, निराशा में चले गए हो, तो आज जब को यीशु मसीह छुड़ाएगा, यीशु मसीह आपको बंधनों से आजाद करेगा। आकाश के नीचे, धरती पे, एक ही नाम है, एक ही नाम है, एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियजनों, इस धरती पर बहुत सारे देवी देवता कहलाते तो हैं,
कोई तो लकड़ी में है, कोई तो पत्थर में है, कोई आसमानों में, कोई जल में है, सब अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे स्वर हैं, परंतु हमारे निकटतम तो हमारा एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत वही है, आदि और अंत है वो। मेरे प्रियजनों, इस प्रांतों को आंख बंद करके सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है? चलिए प्रांतों को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप महान है, आप दयालु परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को विश्वास करना है। मेरे प्रियजनों, मेरे पिता, जो आपने हम सभी को जूतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे। मेरे परमेश्वर, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते। मेरे परमेश्वर, वे मर गए होंगे पिता, वे अचानक मर गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे। मेरे परमेश्वर, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं गंध उड़ता रहता है। मेरे परमेश्वर, आपने कहा है उन आग के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, उन आग में परे हुए कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं निरंतर उठता रहता है। मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को इस संसार से चुना है पिता, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है, मैंने तुझी पर चित लगाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा ही जन है, तू मेरा ही बेटा बेटी है। मेरे पिता, आपने हम सभी को मित्र कहा है, प्रभु मित्र बोला है। मेरे परमेश्वर, हम सभी आपके मित्र हैं, बेटे बेटियां हैं। मेरे परमेश्वर, आप हम सभी से बहुत प्रेम किया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, 39 कोड़े लगवाए गए। मेरे परमेश्वर, उन 39 कोड़े के साथ मांस खींच खींच कर चलाता था। मेरे परमेश्वर, हम सभी के खातिर मेरे परमेश्वर, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, मेरे परमेश्वर, वो सजा यीशु मसीह आपने अपने ऊपर लिया, पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। खुद परमेश्वर पिता, जो आप मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए मेरे परमेश्वर, 30 साल की उम्र में मेरे परमेश्वर, आपने दुख तकलीफ में गुजार दिए, सिर्फ हम सभी पापियों के खातिर, इन सारे मानव जाति के पाप के खातिर मेरे परमेश्वर, आपने अपनी जान दे दिया, आपने पापों का बोझ उठा लिया। मेरे परमेश्वर, आप तो यहाँ जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, जीवन देने आए थे मेरे परमेश्वर, आप तो जीवन बदलते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े मेरे परमेश्वर, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे पिता, कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, ट्यूमर वगैरह में लिप्त है मेरे परमेश्वर, जो इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका आज होना, बिलखना, चिल्लाना बंद होगा, आज बड़े बड़े काम होंगे मेरे परमेश्वर। गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, ट्यूमर, बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जिन बहनों को बच्चे चाहिए, बच्चे की आशीष नहीं मिल रही मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से 90 साल की आयु में मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने सारा को बच्चे दिए थे मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार से इन बहनों को बच्चे दीजिए, बच्चे की आशीष ट्रांसफर होने पाए स्वर्ग से, बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक। मेरे पिता, प्रार्थना करते जो गरीब है, लाचार है मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी को मेरे प्रभु आप दूर कीजिए पिता, बड़े बड़े काम कीजिए मेरे परमेश्वर, मिराकल कीजिए प्रभु, अद्भुत चिन्ह चमत्कार कीजिए मेरे परमेश्वर, आप बड़े बड़े काम कर रहे परमेश्वर हैं, आप यहोवा जुलावर हैं मेरे परमेश्वर, यहोवा यरीहो हैं आप पिता, आप अल्फा ओमेगा हैं मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन रातें में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलकता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे परमेश्वर, मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्रण को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।